अब देखो यार, जॉन सीना का रिटर्न हो चुका है डब्ल्यू के अंदर, इस बात को लेकर सारे लोग हैप्पी हैं बहुत ज्यादा। और अगर आप लोग अगर पर्सनली अगर मेरा बात करेंगे तो मैं भी मॉर्निंग वाला वीडियो के अंदर आप लोग मेरा एक्सप्रेशन ऑलरेडी आप लोग देखे मैं कितना ज्यादा हैप्पी था। पर देखो यार, मैं कहीं ना कहीं आज सैड हूँ इस बात को लेकर, वो क्या बात है आइए हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ आज के इस वीडियो के अंदर। और आई थिंक आप सबको पता भी चल गया होगा कि 30 दिसंबर को शो होने वाला है जिसके अंदर रोमन रेंज फेस करने वाले हैं जॉन सीना को एज ए अपोनेंट और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन रहेंगे दोनों साथ में। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बैनर के अंदर जो डेट लिखा हुआ आप इसको इग्नोर कीजिए, मैं खुद से ही ऐसा बैनर बनाया हूँ तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो भाई आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला जिसके अंदर मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। आखिर ये मैच जब हुआ तो इस मैच के अंदर कौन विनर होने वाला, आखिर डब्ल्यू ये मैच क्यों करवाए। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सारे लोग जितने लोग चैनल पर नए आए हो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो भाई के चैनल को, जितने लोग हो सबके। और जिन लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना भाई सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर पार्टिकुलर सबसे बात करता हूँ, तो भाई आकर फॉलो कर लो यार, सारे लोग जाता क्या आप लोग का, सारे लोग फॉलो कर लो। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज जो जॉन सीना अपना रिटर्न किए पूरे सच में रेसलिंग वर्ल्ड पूरा शॉक हो चुका था, क्योंकि अगर आप जनरली डब्ल्यू के अंदर देखेंगे तो अभी के टाइम पे सारे रेसलर ऑफ ले रहे हैं, जिसको थोड़ा बहुत इंजरी ऑफ ले रहे हैं, क्योंकि आगे रेसलमेनिया से लेकर रॉयल रंबल के अंदर जो टाइम होने वाला बहुत ज्यादा प्रीमियम टाइम होने वाला रहता है। जनरली अगर आप देखेंगे तो सारे रेसलर जो रिटर्न करते हैं रॉयल रंबल के अंदर ही रिटर्न करते हैं, कोई भी दिसंबर के अंदर रिटर्न नहीं करता, पर जॉन सीना मतलब सरप्राइजली रिटर्न कर दिया दिसंबर के, जिसे देखकर डब्ल्यू के सारे फैंस बहुत ज्यादा हैप्पी है। पर्सनली मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, पर कहीं ना कहीं सैड वाला बात भी है, क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं रोमन रेंज को कोई लेकर हेट नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, हर बार रोमन रेंज को ही क्यों मौका दिया जाता है? जब भी कोई बहुत बड़ा रेसलर जब रिटर्न करता हर बार उसको रोमन रेंज के सामने ही लाकर रखा जाता, मतलब रोमन रेंज हर बार अपोनेंट बनते कोई भी बड़ा रेसलर। अगर आपको पिछले साल के भी अगर आपको याद होगा तो जॉन सीना रिटर्न किए थे मनी इन द बैंक के अंदर, सबसे पहले रोमन रेंज को ही फेस किए थे, ऊपर से आप ब्रॉक लेसनर का भी एग्जांपल ले सकते हो, वो भी रोमन रेंज को ही फेस किए। इस लिस्ट के अंदर वैसे और भी बहुत सारे रेसलर जैसे गोल्डबर्ग भी आए थे पिछले साल रोमन रेंज को फेस किए थे, एज भी आए थे जब रिटर्न किए थे तो रोमन रेंज को फेस किए थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा हैप्पी हूं कि जॉन सीना अपना रिटर्न किए, पर हाँ कुछ न्यू टैलेंट के साथ अगर उनका फ्यूड अगर दिखाया जाता तो वो ज्यादा अच्छा रहता मेरे ख्याल से। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए अगर सेथ रॉलिंस को अगर आकर अगर जॉन सीना कन्फ्रंट करते या फिर ब्रॉक लेसनर या फिर ऑस्टिन थ्योरी को, तो मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आने वाला था। पर भाई जो हो गया ये मेरा पर्सनल फीलिंग था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप लोग सारे लोग अपना राय भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। एक और सवाल मॉर्निंग के वीडियो में बहुत सारे लोगों का था, चलिए इसको भी हम कवर कर लेते। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे सोनी 10/3 के ऊपर मुझे शो नहीं देखने को मिला आज मंडे नाइट रॉ का। तो एक्चुअली मैंने भी स्विच किया था पर वहां क्रिकेट चल रहा था, सोनी 10/1 पे आप देख सकते थे इंग्लिश में चल रहा था शो, तो मैं वहीं से देखा था सुबह का। तो चलिए जो हुआ अच्छा हुआ, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम बात कर लेते हैं डब्ल्यू वाले आखिर ये मैच क्यों बनाए और इस मैच को कौन एक्चुअल में जीतने वाला है। एक और चीज मैं आपको साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ, आज शाम को 8 बजे मैं यूट्यूब के ऊपर मैं लाइव आने वाला हूँ, तो सारे लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सारे लोग आ जाएगा लाइव शाम को 8 बजे याद से सारे लोग। देखिए इस मैच के अंदर जॉन सीना को इसीलिए ऐड किया गया क्योंकि रोमन रेंज और केविन ओवेंस के बीच में जो फ्यूड होने वाला रॉयल रंबल के अंदर उसको बढ़ावा दिया जाए, मतलब उसको हाईलाइट किया। इस मैच का कराने का एक और कारण यह भी हो सकता है जो कि जॉन सीना खुद से मेंशन किए थे कि इस साल के अंदर जॉन सीना एक भी अपीयरेंस नहीं किए थे डब्ल्यू के अंदर, एक भी मैच नहीं किए थे, तो शायद इसलिए डब्ल्यू ये मैच प्लान कर दी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये मैच अगर होगा तो इस मैच को आखिर में जीतने कौन वाला है, या ब्लड लाइन जीतेगी या फिर जॉन सीना और केविन ओवेंस जीतने वाले। तो भाई इस मैच का रिजल्ट मैं आपको पहले बता दूं जो कि 100% है यही होने वाला, ब्लड लाइन इस मैच के अंदर जीतने वाले किसी भी हाल में। देखिए केविन ओवेंस और जॉन सीना एक फेस टीम है, अगर आप डब्ल्यू का थोड़ा सा रूल जानते होंगे तो आपको पता होगा अगर फेस टीम का अगर किसी भी फ्यूड के अंदर अगर उनका बीन हो जाता तो मैच स्टोरी लाइन आगे बढ़ता नहीं। देखिए इस मैच का जो एंडिंग होने वाला वो कंट्रोवर्सी के साथ होने वाला है, या तो इस मैच के अंदर बहुत सारा ऐसा भी रूमर आ रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी भी शायद इस मैच के अंदर आकर इंटरफेरेंस कर सकते हैं, या फिर हमारे ब्लड लाइन है, हमारे ब्लड लाइन कब काम आएंगे। भाई ये मैच सच में बहुत कमाल का होने वाला है यार, आप बस इमेजिन कीजिए चारों तरफ ब्लड लाइन है, उसके बाद ये रोमन रेंज और केविन ओवेंस का मैच होगा। तो ओवरऑल इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं ब्लड लाइन, उसके बाद फिर से एक मैच अनाउंस होगा जो कि होगा रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस का, वो भी रॉयल रंबल के अंदर। एक और मैं आपको अपडेट बता दे रहा हूँ जॉन सीना के बारे में, एक्चुअल में जॉन सीना का जो शेड्यूल है फ्री नहीं है रॉयल रंबल के लिए या फिर रेसलमेनिया के लिए। वैसे ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं है पर आप इतना मान लीजिए या तो जॉन सीना रॉयल रंबल को मिस करने वाले या फिर वो रेसलमेनिया को अगले साल मिस करने वाले। वैसे तो 13 दिसंबर को जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है वहां खुद को अनाउंस भी कर सकते हैं जॉन सीना की मैं रॉयल रंबल के अंदर आने वाला हूँ, शायद इसका पॉसिबिलिटी है, शायद वो कर भी सकते। साथ ही साथ जो नेक्स्ट जो स्मैकडाउन होने वाला वो स्मैकडाउन ऑलरेडी आज ही दिन शूट हो जाएगा, कल आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर क्या कुछ होने वाला है। एक और चीज आज के स्मैकडाउन के ऊपर वैसे देखने को मिला था, डेस्टर लुमिस के जैसा सिक्योरिटी वाले एक फीमेल रेसलर को भी पकड़ कर लेकर जा रहे थे। तो अभी फिलहाल ये खूबसूरत बला कौन है इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं निकल कर सामने आया, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग सारे। और अगर हम बात करें अंकल हॉडी के बारे में तो सारे लोग यही रूमर लगा रहे हैं कि ये बो डैलस हो सकते हैं जो कि ब्रे वाइट के भाई है, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता भी चुका, पर अभी मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ जब तक डब्ल्यू वाले खुद से नहीं अनाउंस कर देते ये कौन है तो आप लोग भरोसा मत कीजिए, बो डैलस भी हो सकते हैं या फिर कोई और रेसलर भी हो सकता है। मैं सच में सबसे ज्यादा क्यों कंफ्यूज हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि बंदा ये इस तरह से कॉस्ट्यूम पहनकर कैसे मैच रेसल करेगा, मैं तो यही सोच रहा हूँ यार इस तरह से कोट पैंट पहन। वैसे आज के स्मैकडाउन का शो जो था ओवरऑल काफी अच्छा था, 2-3 सरप्राइज देखने को मिला आज के स्मैकडाउन के ऊपर। और आज शाम को मैं एग्जैक्ट 8 बजे लाइव
लाइव आने वाला हूँ तो सारे लोग आ जाएगा, मिलते हैं आपको शाम के वीडियो के अंदर। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या फिर आप हमारे मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखो तो इसके बाद वो वीडियो जरूर से देख लेगा। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना, सारे लोग आकर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं। और कमेंट सारे लोग जरूर कीजिएगा, जॉन सीना जब रिटर्न किए तो क्या उनको रोमन रेंज को ही फेस करना चाहिए था या फिर कोई और रेसलर को फेस करना चाहिए था, इस बारे में सारे लोग कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं हमसे। जाने से पहले सारे लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यार।